भजन संहिता अध्याय 49 भजन संहिता अध्याय 49 हे देश देश के सब लोगों यह सुनो हे संसार के सब निवासियों कान लगाओ क्या ऊंच क्या नीच क्या धनी क्या दरिद्री कान लगाओ मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकलेंगी और मेरे हृदय की बातें समझ की होंगी मैं नीति वचन की ओर अपना कान लगाऊंगा मैं वीणा बजाए हुए अपनी गुप्त बात प्रकाशित करूंगा विपत्ति के दिनों में जब मैं अपने अंगड़ा मारने वालों की बुराइयों से घिरूं तब मैं क्यों डरूं जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है और न परमेश्वर को उसकी संति प्रायश्चित में कुछ दे सकता है क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है वह अंत तक कभी न चुका सकेंगे कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को न देखे क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु सरीखे मनुष्य भी दोनों नाश होते हैं और अपनी संपत्ति औरों के लिए छोड़ जाते हैं वे मन ही मन यह सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा और उनके निवासी पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे इसलिए वे अपनी अपनी भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता वह पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं उनकी यह चाल उसकी मूर्खता है तो भी उनके बाद लोग उनकी बातों से प्रसन्न होते हैं वे अधोलोक की मानो भेड़ बकरियां ठहराए गए हैं मृत्यु उनका गडेरिया ठहरी और बिहान को सीधे लोग उन पर प्रभुता करेंगे और उनका सुंदर रूप अधोलोक का कौर हो जाएगा और उनका कोई आधार न रहेगा परंतु परमेश्वर मेरे प्राणों को अधोलोक के वश से छुड़ाएगा क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा जब कोई धनी हो जाए और उसके घर का विभव बढ़ जाए तब तू भय न खाना क्योंकि वह मरकर कुछ भी साथ न ले जाएगा न उसका विभव उसके साथ कब्र में जाएगा चाहे वह जीते जी अपने आप को धन्य कहता रहे जब तू अपनी भलाई करता है तब वे लोग तेरी प्रशंसा करते हैं तो भी वह अपने पुरखों के समाज में मिलाया जाएगा जो कभी उजियाला न देखेंगे मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो परंतु यदि वह समझ नहीं सकते तो वे पशुओं के समान हैं जो मर मिटते हैं।